गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। साउंड में शायद थोड़ा प्रॉब्लम आएगा बट दैट्स फाइन। पहले आज का रिव्यू कर लेते हैं, कल का ट्रेडिंग कर लेते हैं, प्लानिंग लेट्स सी। आज हमने एक देखो, कल हमारे एक पैटर्न बनाया था, मार्केट उसके हिसाब से काम किया, लेवल थोड़े इधर उधर हिले, टाइमिंग काम किया। आज भी अगर देखोगे, आज हमने मार्केट में ये पैटर्न बनाई थी कि मार्केट इस तरह की ट्रेडिंग करेगा, बट 3 to 3:30 ये जो मैंने सेल दिया था, स्मॉल सेल दिया था, बट ये जो सेल हुआ दैट इज मोस्ट ब्रूटल सेल प्रोबेबली इन द लास्ट वन एंड हाफ मंथ। इफ यू सी दिस वन ऑफ द ब्रूटल सेल्स। पर 3 बजे के बाद तो हमारा ऐसे भी आइडियली मार्केट में पॉजिटिव साइड कुछ था नहीं, बट ये किसको जैकपॉट मिला नहीं मिला वो पता नहीं। हमने बाइंग लिया और ये ट्रेड हमने नहीं लिया बिकॉज आई क्लोज माई ट्रेड। मैं आपका ट्रेड बता देता हूँ जो हमने लाइव में किया। इफ यू मैंने मॉर्निंग में एक दो ट्रेड लिए थे, ठीक है। मेरी 3 ट्रेडिंग थी, एक MIS, दो नॉर्मल, एक 37,000 CE का था और एक 36,700 CE का था, जो हमने पोजिशनल कल यहाँ पे लिया था, राइट। मैंने आपको क्या बोला था, अगर मार्केट आज के डे हाई के आसपास अगर ओपन करता है, जो इधर ओपन हुआ, आपको इमीडिएटली पोजिशन कट करना है, ठीक है। इसके ऊपर गैप अप होगा तो अलग बात था, हमें ट्रेल करना था। इसके पास अगर ओपन होता तो इमीडिएटली कट करना था, हम यहीं पे प्रॉफिट बुक कर मॉर्निंग में ही, ठीक है। देन आई हैव टेकन ए स्कैल्पिंग बाइंग हियर बेस्ड ऑन द पैटर्न, ये जैकपॉट पैटर्न सबको पता है। तो हमने यहाँ पे एक छोटा बाइंग लिया था, वेरी स्मॉल। एंड देन जो लाइव में मैंने जो ट्रेड आपको दिया वो ट्रेड ये दिया बिकॉज आई केम इनटू द मार्केट इनटू द ग्रुप लेट। तो मैंने क्या बोला, जब मार्केट यहाँ पे था 12:55 मुझे याद है, ये लेवल पे मैंने बोला था इसको 100 पॉइंट गिरने दो, 100 पॉइंट के बाद हम बाई करेंगे पॉजिटिव कैंडल पे। और ये एकदम जोन पे था, एग्जैक्ट लेवल पे था, हमने ये सेल लिया, ये 150 पॉइंट का सेल हुआ। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना, हमने बाई किया और मैंने शायद यहाँ तक रखा था, यहीं पे कहीं पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था यहाँ पे, क्योंकि हमारी अपर साइड की कैपिंग अगर आपको याद होगी तो आज यही थी, ये लेवल के आसपास थी, टच तो नहीं किया बट ऑलमोस्ट किया। उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मार्केट आफ्टर दिस मूव, आई वाज एक्सपेक्टिंग ए स्मॉल फॉल लाइक दिस अप टू दिस। ये फॉल एक्सपेक्टेड था, 10-15 मिनट इधर उधर हुआ, मोटा मोटा आज तो काम किया है, बट ये फॉल एक्सपेक्टेड था और ये लेवल के आसपास गया था तो ये फॉल एक्सपेक्टेड था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो फॉल है, दिस फॉल वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। आप कितने लोगों ने यहाँ पे जैकपॉट लिया, वी डोंट नो, बट मैंने तो कोई ट्रेड नहीं किया। बट इफ यू लुक एट फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज 1000 पॉइंट फॉल इन 1 आवर और हाफ एन आवर, 3 to 3:30 में तो आई थिंक 700-800 पॉइंट का फॉल, दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूज। बट एनीवे, कल का ट्रेडिंग करते हैं। तो आई होप हमारी सारी ट्रेडिंग ग्रीन थी आज, ठीक है, और ऑल द ट्रेड्स आर इन पॉजिटिव साइड बिकॉज हमारा व्यू बाय ऑन डिप्स का ही था, ठीक है। ये चीजें कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता। हाउएवर वी सेट क्लियरली के 3 to 3:30 मार्केट माइट गो नेगेटिव, तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए था, ठीक है। जनरली ट्रेडिंग में मैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ, बाकियों का पता नहीं है। कल का ट्रेडिंग कर लेते हैं। देखो प्राइस एक्शन एक बार मैं बता दो, नीचे की एक ही लेवल दिया हमें, दिस लेवल मे कम मे नॉट कम, ओके। ग्लोबल मार्केट यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ दिखा रहा है, एक्चुअल ग्लोबल मार्केट यहाँ पे ग्रीन दिखेना चाहिए शायद, या तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये ग्लोबल मार्केट ग्रीन है, इट्स क्वाइट ए गुड अमाउंट ऑफ ग्रे इवन आफ्टर द न्यूज, ओके। और SGX निफ्टी भी ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास पहुंचा है, राइट। तो इतना बड़ा जो मार्केट, ग्लोबल मार्केट इतना बड़ा अप है, हमारा मार्केट ज्यादा डाउन नहीं जा सकता। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम देखें, मार्केट जब भी ऐसे वर्टिकल फॉल करता है, ओके, एंड डज नॉट कंसॉलिडेट, मार्केट रिकवर कर जाए। स्पेशली ग्लोबल मार्केट की ग्रीन पोजिशन को देख के मुझे लग रहा है कि मार्केट रिकवर करेगा, गैप अप करेगा, गैप डाउन करेगा, वी डोंट नो, बट मार्केट रिकवर करेगा। टाइमिंग पहले मैं दे देता हूँ, टाइमिंग जो कल की है, जो मोटा मोटा काम करना चाहिए, वो पैटर्न भी बना लेते हैं, वो 9:15 to 15 minutes तो वी डोंट गारंटी, बट 9:30 आप ले लो, ये नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, वी डोंट नो। सो 9:30 to 11:45 मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, 12:00 to 1:45 हाफ एन आवर मार्केट में भी नेगेटिव, बट वी आर नॉट श्योर। 1 to 1:45 अगेन पॉजिटिव, 2 to 2:30 नेगेटिव। वेडनेसडे है तो टिपिकल रेंज में शायद रह सकता है, एंड 2:30 to 3:30 अगेन पॉजिटिव, ओके। तो पैटर्न हमारा ऐसा बन रहा है,
आज के पैटर्न में जैसे स्टीफ बना था, साथ स्टीफ ना बने, जो भी स्टीफ बनेगा मॉर्निंग सेक्शन में ही स्टीफ बन जाएगा मुझे लगता है, और लास्ट सेशन में बनेगा। ये एरिया आपका रेंज बाउंड होने की पॉसिबिलिटीज है। ओके, मार्केट का पैटर्न ये होना चाहिए, ये पैटर्न हमारा सक्सेसफुल है, इसको डिलीट करते हैं। मार्केट का पैटर्न ये होना चाहिए। ड्रॉइंग कहाँ पे होगी, मतलब लेवल, एक लेवल में जो आपको नीचे दे रहा हूँ 16,700 12-13 के आसपास, 16,715 आप ले। ओके, विच इज अगर आप देखोगे 200 पॉइंट के आसपास का नीचे मार्केट है, तो मार्केट बहुत अच्छा ट्रेड तो आपके लिए ये होगा कि मार्केट गैप डाउन ओपन कर ले, गैप डाउन ओपन करके मार्केट ऊपर जाए और इस तरह की पैटर्न बना के यहां तक ले आए मार्केट। ओके, बट इट मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल, मेरे हिसाब से शायद ना हो, ये फ्लैट ओपन करे या तो मार्केट हल्का सा गैप ओपन करे। अगर मार्केट देखो, ये जो लो है, आज का जो लो है, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि ये मंडे का जो लो है, ये मंडे का लो अगर कट हुआ तो ब्रूटल सेल हो जाएगा, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में वही हुआ है। वैसे हम डिफेंड नहीं करेंगे, न्यूज के बेसिस पे हुआ है, बट दिस वॉज आवर आइडियली वन ऑफ द व्यूज, राइट। कल क्या होगा, देखो पहली चीज है, आपको अगर याद होगा मैंने वीकली वीडियो में, ये वीक हैज बीन डिफिकल्ट, दो हमारा कोई भी पोजीशन रेड में नहीं है, वी हैव मेड मनी गिन ग्रीन, बिकॉज हमने ना ही कोई पोजिशनल ये ऑप्शन में कुछ रखा है अभी तक। कल रखा था हमने पोजिशनल सी लिया था, जो हमने आज कट कर दिया मॉर्निंग में ही, और सब कुछ पैसा हमने इंट्राडे में ही बनाया, तो दोनों दिन ग्रीन है, नो प्रॉब्लम। हाँ, हम बड़ा पैसा नहीं बना पाए ये वाला, दैट इज ओके, ठीक है, बट हमारा ग्रीन आउटपुट है, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है, जो मैंने वीकली वीडियो में आपको बोला था, मैं मार्केट को ये एरिया के नीचे देख नहीं रहा था एक्चुअली, निफ्टी को, तो 17,200 के नीचे मार्केट को सस्टेन करना, जैसे आज भी निफ्टी में मैंने बोला था, मार्केट कितना भी बाय इन डिप्स हो, ये 17,300 के ऊपर नहीं जाएगा, कैपिंग हो जाएगी, 300-320 की कैपिंग दी थी मैंने, स्पेशली दिस बाय जोन का कैपिंग, क्योंकि ये रिएक्शन लेवल्स था, ठीक है। एनीवे, सो बट वीकली व्यू जब हमने स्टार्ट करी थी, हमने बोली थी कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, ये हमारा डाउन साइड की कैपिंग थी ऑलमोस्ट, बट अगर देखोगे ये इतना नीचे गया है, एट दिस लेवल इटसेल्फ निफ्टी वॉज हैविली सोल्ड, हैविली सोल्ड। ओके, इस लेवल में तो निफ्टी मतलब किस डिग्री में सोल्ड है वी डोंट नो। ओके, तो इसके नीचे और सेल करना आई डोंट थिंक इट इज एक्चुअली इंटेलिजेंट डिसीजन टू डू, पैटर्न रखते हैं। तो हम देखो ट्रेडिंग की प्लानिंग कैसे होती है, एग्जैक्टली डे लो को पॉइंट लगाना, गैप डाउन हो गया तो ट्रेड बता दिया, बाय ऑन डिप्स ही है ब्लाइंड। ओके, इस जोन से कहीं से भी आप बाय कर लो, बाय ऑन डिप्स डजंट मैटर। ओके, बट अगर मार्केट लेट से गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है और ये फर्स्ट 30 मिनट्स में ये लो नहीं कट होता है, तो ये डे लो का स्टॉप लॉस लगा के स्ट्रिक्ट, नॉट ऑन सिस्टम, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, मतलब मार्केट जब भी ये डे लो के नीचे दो रेड कैंडल 5 मिनट पे, दैट मीन 10 मिनट्स आपको वेट करना है। अगर दो रेड कैंडल मार्केट बना देता है और आपका पोजिशन गलत हो जाता है, तो आपको लॉस ले लेना है कल, बिंदास सोचने का नहीं है, ठीक है, लॉस ले लेना है, सिर्फ उस केस में 700 या 600 भी मार्केट आ जाएगा अगर ये होता है, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बट अगर मार्केट इस एरिया में कहीं पे ओपन करता है डे लो के स्टॉप लॉस के साथ, आइडियली आप एक बाय ऑन डिप्स फुल डे रह सकते हैं। मेरी जो एक पर्सनल व्यू है, पैटर्न तो मैंने ऐसे बनाया है, ये फर्स्ट जो व्यू, फर्स्ट जो मूव और ये लास्ट वाला जो मूव है टाइमिंग के हिसाब से, ये दोनों मूव बड़े होने की पॉसिबिलिटीज है। ओके, मिनिमम टारगेट हमारा ये होना चाहिए, ये जो लो है मंडे का लो 17,071, ओके 17,071, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मूव। ओके, वेरी वेरी रिस्की कॉल आई एम गिविंग, बट यहां तक मार्केट एक बार रिकवर करना चाहिए, और फिर वो अगर ले लू आज के हिसाब से ये 50-60 पॉइंट के बीच में आ रहा है, विच इज ओके, ठीक है। तो एक अगर आप यहां से बाइंग ले रहे हो, क्योंकि ये अनटेरिटरी अनचार्टेड टेरिटरी है, इसमें इसको रोकने वाला कोई है नहीं, एंड एज आई वाज टेलिंग द प्राइस एक्शन थ्योरी, जब भी मार्केट इस तरह के वर्टिकल फॉल देता है ना, और ये कंसोलिडेशन नहीं करता है, इट डजंट डू ए कंसोलिडेशन, वेरी वेरी लो चांसेस के मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे, और ग्लोबल मार्केट आपको साइन तो दे ही नहीं रहा है डाउन ट्रेंड का, ठीक है।
कल ये पॉसिबिलिटीज तभी होगी, लेटेस्ट मार्केट नेगेटिव भी हो जाएगा कल लेटेस्ट से, तो ये एक बार इस तरह की कंसोलिडेशन करेगा 15 मिनट 20 मिनट हाफ एन आवर, फिर ब्रेक करेगा, तब एक बड़ा फॉल आएगा, जबरदस्त फॉल आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बट वो फॉल में मैं बाय नहीं करूंगा, मैं बाय ऑन डिप्स में ही रहूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जैसे ही ये यहाँ पे दो रेड कैंडल बन जाएंगे 5 मिनट्स में, यू वुड इमीडिएटली कॉट योर स्टॉप लॉस, बिकॉज कंसोलिडेशन के बाद अगर इसने ब्रेक किया लो, देन इट विल फॉल अनदर 300 पॉइंट इजिली, ओके 600 तक तो मिनिमम आ जाना चाहिए, 250 पॉइंट और फॉल कर जाएगा, तो उसको खाली आपको ध्यान देना है और मार्केट में लॉस ले लेना है अगर आप मेरे हिसाब से एंट्री कर रहे हो, अदरवाइज आई वुड गो फॉर अ बाय ऑन डिप्स। माय व्यू इज मार्केट शुड रिकवर मिनिमम 50%, ओके मार्केट शुड रिकवर मिनिमम 50% प्रोवाइडेड दैट ग्लोबल मार्केट डजंट डू एनी चमत्कार इन द नाइट। एंड ऑप्शन की डेटा अगर हम देखेंगे, प्रोज ही खाली सेल करके गए हैं, FIIs बुलिश है, मिक्स डेटा है थोड़ा, क्लाइंट्स बुलिश है, DI की पोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो प्रोज में भी इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने बाय किया है, उन्होंने हेज किया है अपने ऑप्शंस की पोजीशंस को, ठीक है, तो उनका भी अगर एक व्यू लोगे 30-40% का व्यू जो है वो पॉजिटिव साइड ही है, ओके। प्रॉब्लम है रिटेलर्स, रिटेलर्स ने इंडेक्स फ्यूचर्स को शॉर्ट किया है और जो ऑप्शन है उनको बेसिकली बुलिश पोजिशन लेके गए, रिटेलर्स माइट बी इन प्रॉब्लम। अगर वो सारे व्यू को मैं मिला दूं, माई व्यू वुड बी प्रोस कल कंप्रोमाइज करेंगे अपने ऑप्शंस पोजीशंस में और फ्यूचर में पैसे बनाएंगे, FI इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डाउन साइड ज्यादा दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स में रहेंगे। एक चीज खाली ध्यान रखना डे लो का, बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, यहाँ पे कट हुआ तो आंख मूंद करके लॉस ले लेना है, री एंट्री कर सकते हो, जैसे मार्केट गैप फॉर एग्जाम्पल ऐसे आया, फिर री एंट्री, मार्केट ऐसे री एंट्री कर रहा है, इस केस में दोबारा बाय कर लो, बट पहले आपको लॉस ले लेना है, बिकॉज यू डोंट नो कंसोलिडेशन के बाद मार्केट मिनिमम 200-240 पॉइंट गिर सकता है, हाउएवर दैट चांस टू में लुक्स रियली रियली लो। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी एक डे लो का आपको लेवल बनाना है, बैंक निफ्टी इज स्टिल येट नॉट लाइक हैवीली सोल्ड, आज हुआ है, मंडे नहीं था, आज हुआ है हैवीली सोल्ड, तो दोनों इंडेक्स हैवीली सोल्ड है, तो एक रिकवरी होनी चाहिए, सेम फंडा प्राइस एक्शन गोस, मार्केट अगर यहाँ पे आया फ्लैट ओपन होके यहीं पे कहीं पे आधा घंटा कंसोलिडेट करके डे लो ब्रेक करता है तो ये 35,500 तक भी आ सकता है, 35,500 तक भी आ सकता है, अनदर 600 पॉइंट की फॉल हो सकती है मार्केट, ओके ठीक है, उस केस में हम देखेंगे अगर बाई करना है और हमारे पास 2-2.5 घंटे मिनिमम बचे हुए हैं और एस्ट्रो टाइमिंग के साथ मैच कर रहा है तो ये 35,600-700 से हम एक बाइंग ले सकते हैं, बट वो हम लाइव में देखेंगे। मेरा प्रिफरेबल सिनारियो, मेरा फ्लैट ओपन या हल्का ओपनिंग, डबल बॉटम करेगा तो बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे ही प्राइस एक्शन बनाएगा वी विल बाय मिनिमम अप टू 36,500, मार्केट कैन कम अप टू 36,700, ओके, सो दैट मीन्स आर वी सेइंग 800 पॉइंट का अप मूव देगा, वी डोंट नो, वेडनेसडे है तो शायद ना दे, बट इस पॉइंट तक की मूवमेंट, ये जो मंडे की लो है यहाँ तक, तो दिस इज अ पावरफुल लेवल, इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मंडे इज लो, देर आर टू अदर लेवल्स बिकॉज ऑफ आई हैव ड्रॉन दिस लेवल, ये पावरफुल लेवल है, ये रिट्रेस तो करना चाहिए, खाली एक बार देखते हैं एटलीस्ट 50% का रिट्रेसमेंट ये दे रहा है या नहीं दे रहा है, या बेटा 50% और ऊपर है तो यहाँ तक की रिट्रेसमेंट तो आइडियली आपको मिल जानी चाहिए, ओके पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपको बना के दिया है, एस्ट्रो की टाइमिंग आपको ऑलरेडी बता दिया है, उसके बेसिस पे ट्रेड करें। आई होप द मैसेज इज क्लियर कि कल हमें ट्रेड कैसे करना है। जो पोजिशनल बंदे हैं शायद उनको आई डोंट नो उन्होंने रखा होगा, ट्रेलिंग किया होगा, आई डोंट नो, तो अगर लॉस हुआ होगा तो कल बड़े क्वांटिटी में मत करना। अगर आप किसी पोजिशन ऑलरेडी पोजिशनल मंथली वाले हैं, कुछ लोग हैं हमारे ग्रुप में, एवरेज मत करना, ओके डो नॉट एवरेज, लेट द मार्केट गो अप ईजली, ओके लेट द मार्केट गो अप ईजली। वैसे 21 अप्रैल के बाद हमारा गैन डेट है रिवर्सल का, तो 21st मार्केट अगर नीचे साइड रुक भी जाता है 21st से हम एक अच्छा रिवर्सल शायद अपर साइड देख सकते हैं, जहां पे विदाउट डूइंग एनी एवरेज आपकी सी पोजीशन शायद आपको प्रॉफिट दे जाए, ठीक है, ओके टाइमिंग को ध्यान देना, पैटर्न को ध्यान देना, शायद ये से पैटर्न बनेगा, ओके डे लो को ध्यान देना है, प्राइस एक्शन का जो फंडा मैंने बताया, कंसोलिडेशन को ध्यान देना है, कंसोलिडेशन का ब्रेक को ध्यान देना है, एंड मिनिमम 3 आवर्स का अगर आपके पास टाइम है
मतलब 12-12:30 बजे के बाद मार्केट इस लेवल या इस लेवल के नीचे मिलता है तो हम एक बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं अराउंड 1 o'clock, बिकॉज 1 o'clock से हमारी बाइंग बनती है। ओके, 1 o'clock के बाद और इससे 10-15 मिनट इधर उधर जहां पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखेगा हम एक बाई कर सकते हैं। मेरा प्रेफरेबल सिनेरियो यही रहेगा, दैट मीन्स फ्लैट ओपनिंग और हल्का पॉजिटिव ओपनिंग एंड इट शुड नॉट कट द डेज लो। बाकी तो चमत्कार हो गया तो ये सब कल भी रेड हो सकता है, बट मैंने मोटा मोटा 5 पॉइंट आपको दिए उसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता।